Hey, what's up guys? Welcome to Life Study. स्वागत है आप सभी का Life Study पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 171 तक, और आज हम 171 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 171 में क्या कहा गया है। 171 नहीं, 172, ठीक है। 172 क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, फिर हम इसको करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि यदि r cos थीटा माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, तो 172 में दिया हुआ है r cos थीटा माइनस रूट थ्री पूरे का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस वन, r sin थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, और वो आपसे निकलवा रहा है r tan थीटा। वैल्यू आपसे निकलवाना चाहता है r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा, r sec थीटा प्लस tan थीटा। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज सोचो, यहां पर हमें गिवन क्या है। गिवन है ये कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये जो नीचे लिखा हुआ है। एक बात आप सोचो, अगर यहां से आप इक्वेशन नंबर वन से अगर आप थीटा निकाल लो, अगर आप थीटा निकाल सकने में कामयाब हो गए इस इक्वेशन गिवन कंडीशन से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली थीटा को यहां पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। चलो, तो हम इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है, आप इसमें एक बात देखो, दो ब्रैकेट हैं हमारे पास, इसका होल स्क्वायर है बीच में प्लस, एक ब्रैकेट और है इसका होल स्क्वायर और बराबर जीरो है, ठीक है। तो आप एक बात सोचो, दो वैल्यूज को जोड़ करके जीरो आ रहा है, दो ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू का होल स्क्वायर करने पर उन्हें जोड़ करके क्या रहा है, जीरो। तो जीरो कब आ सकता है, केवल और केवल एक ही शर्त पर जीरो आ सकता है, यदि ये ब्रैकेट भी जीरो हो और ये ब्रैकेट भी जीरो। कहने का मतलब जीरो प्लस जीरो ही क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम पहला ब्रैकेट भी जीरो रख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट भी जीरो। तो जब हम पहला ब्रैकेट जीरो रखेंगे, आर कोस थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर बराबर होगा जीरो के, तो यहां से आर कोस थीटा माइनस रूट थ्री बराबर क्या जाएगा, जीरो। रूट थ्री इधर जाएगा, तो यहां पर आर कोस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर था माइनस, ठीक। अब देखो यहां से ध्यान से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें सेक भी निकालना है और r sec थीटा, तो क्यों ना हम यहां से केवल और केवल sec कैलकुलेट कर ले। देखिए, sec को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम क्या कर देते हैं, r ही रखेंगे, ठीक। रूट थ्री के साथ में अगर हम वन मान ले, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, ये आप सभी जानते हैं, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। cos यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाए क्या करेगा, वन के नीचे ले जाएगा, ठीक। और वन अपॉन कोस, वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, आप सभी जानते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर सेक थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रूट थ्री। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, यहां पर दूसरा जो ब्रैकेट था हमारे पास, दूसरा ब्रैकेट क्या था, आर साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो ले लेंगे, वन इधर जाकर क्या जाएगा प्लस, और आर साइन थीटा, ठीक। अब यहां से हमें, हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम साइन की वैल्यू चाहे तो साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी वन अपॉन आर। अच्छा, अगर हम यहां से कोस की वैल्यू निकाल दें, डायरेक्ट कोस की, तो केवल कोस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रूट थ्री अपॉन आर, आर जो है नीचे आएगा, क्योंकि इधर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इधर करेगा डिवाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास टैन भी है यहाँ पर, तो
अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लें, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा को हम भाग कर दे रहे हैं किससे, कोस थीटा से। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/r और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास √3/r। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये √3 इधर जाएगा और r ऊपर जाएगा, तो r/r√3, r से r कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/3, 1/√3। तो यहां से हमारे पास जो tan की वैल्यू आई वो आई है 1/√3, और अगर हम बात करें यहां पर sec थीटा की, ये वैल्यू आई है हमारे पास r/√3। अब देखो हमें यहां पर ये वैल्यू जो हमारा साइन अपॉन कोस है, ये क्या बनता है, ये बन जाता है हमारा टेन थीटा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को हर चीज अब याद हो चुकी है, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज करके आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें, अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ही आपको अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो तो हमारे पास टेन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ऐसे ही सेक की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब देखो यहां से मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से यहां देखो, ठीक, यहां पर हमारे पास r ऐसे रखा इनटू tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा है 1/√3, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 1/√3 प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा की वैल्यू आई है r/√3, तो हम यहां पर क्या रख देंगे, r/√3। चलिए ये तो वैल्यू हमने रख दिया ऊपर, अब नीचे r इंटू sec थीटा की वैल्यू क्या है, r/√3, तो यहां पर हमने रख दिया है r/√3 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/√3। ठीक, तो यहां पर हम क्या रख देंगे, 1/√3। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, नीचे रूट थ्री है तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, √3 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक, R यहां पर है और R यहां पर, तो ये R और R जाएगा 2R। ठीक, तो ये बना ऊपर, नीचे क्या बनेगा, देखिए नीचे भी √3 दोनों के नीचे सेम, तो यहां पर LCM क्या आएगा, √3 आएगा, यहां पर R इंटू R क्या हो जाएगा, r² और ऊपर क्या जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए अब यहां पर देखो √3 और ये √3 सेम है, कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2r/r² + 1, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहां पर उसने इस तरीके से ना आंसर दे करके आंसर को थोड़ा सा घुमा के दिया है, देखो ऐसे भी दे सकता था अगर वो चाहता तो, लेकिन उसने आंसर क्या है एक नंबर्स में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इसमें r आया हुआ है, तो ये वैल्यू नंबर में कब बदल सकती है, जब r की कुछ वैल्यू हो, जब r की क्या हो, कुछ वैल्यू, तो सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो r की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर हमने एक कंडीशन निकाली थी, ये r cos θ = √3 हमारा आ गया था। ठीक, ये आया था, ऐसे यहां पर r sin θ = हमारे पास क्या आया था, 1 आया था। इन दो चीजों को आप ध्यान में रखो, और यहां पर मैं अलग से एक एडिशनल काम कर रहा हूं, r sin थीटा का स्क्वायर किया मैंने, r² sin² θ बनेगा, ऐसे ही इसका स्क्वायर किया, क्या होगा इसका स्क्वायर, r² cos² θ, इन दोनों को एक साथ जोड़ा तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 का भी स्क्वायर जोड़ देंगे, और इसकी वैल्यू क्या थी, √3 का भी स्क्वायर हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहां से r² कॉमन ले लेंगे, तो r² जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, sin²θ + cos²θ। आप सभी जानते हैं sin²θ + cos²θ की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो गया 1, तो r² ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां पर r² × 1 = क्या आ गया हमारा, 4, तो फाइनली r आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हम उस 2 वैल्यू को यहां पर रख देंगे, सिंपल है बिल्कुल, 2 × 2, r की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 1 प्लस कर देंगे, 2 × 4 =
और चार और कितना हो गया पांच। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, चार बटे पांच। देखिए मानता हूं थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको प्रायोरिटी देनी है अपने समझने में, और समझ के चलो आप, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बीच में अगर बड़े भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पेपर में हर सवाल बड़ा नहीं आएगा। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से दो या तीन चार क्वेश्चन ही बड़े हो सकते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको आसान ही मिलने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 173। तो आपको क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि पेपर में ऐसा दिया जाए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन लेंथी है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, केवल और केवल प्रैक्टिस के बेस पर ही आप उनमें अंतर कर सकते हो कि क्वेश्चन लेंथी है या बड़ा होगा क्वेश्चन या छोटा होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कोस 65। क्वेश्चन नंबर 173, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री और अपॉन टेन स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20। यहां पर है टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। ये जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तेजी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसको करते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, चलो पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज। देखो यहां पर है 25 और 65, 25 और 65 अगर आप जोड़ो तो आपको 90 बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप अब कहोगे सर जहां पे 90 बनता है वहां पे 1 हो जाता है, लेकिन रिमेंबर एक चीज आप ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया था, या तो साइन के साथ साइन हो या कोस के साथ कोस हो तो ही हम 1 लिख सकते हैं अगर एंगल जोड़ के 90 हो रहा है, लेकिन यहां पर साइन है और यहां पर कोस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप साइन को बदल दो कोस में या कोस को बदल दो साइन में, सिमिलरली कोस को बदल दो साइन में या साइन को बदल दो कोस में, ठीक है। तो देखो अगर यहां पर साइन 25 डिग्री को, ध्यान से समझो भाई, साइन 25 डिग्री को अगर हम बदल दें कोस में तो हम सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 65 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 65 घट करके 25 ही तो बचता है। अब हम इसमें 90 माइनस वाला रूल लगा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, याद कीजिए पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा बनता है कोस थीटा, और थीटा कितना है 65 डिग्री, तो साइन कन्वर्ट हो गया है कोस 65 डिग्री में, ये क्या बन गया, ये बन गया कोस 65, एक और कोस 65 था तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर 65, चलो हो गया इतना, ठीक। अब यहां से इसको बदल देता हूं मैं साइन में, कोस 25 को साइन में बदलता हूं, तो कोस 25 जब साइन में बदलेंगे तो ये आएगा साइन 65, ठीक। तो यहां से साइन 65 ये हुआ, साइन 65 ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से नीचे देखो, टेन स्क्वायर ये 70 डिग्री माइनस कोसेक 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 70 लिखा जा सकता है, भाई 90 में 70 घट करके 20 ही बचता है, तो कोसेक किसे बदलता है आप जानते हो, कोसेक बदलता है सेक में, तो यह आ जाएगा सेक 70, ठीक। तो यहां पर हो गया ये आपका ये सेक स्क्वायर 70 डिग्री, याद करो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यह है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा माइनस आएगा, जो भी आएगा, कहने का मतलब माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा।
ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया वन, तो यहाँ पर ऊपर तो हो गया है आपका वन और नीचे हो गया आपका माइनस वन, ठीक। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस वन ही आपका फाइनल आंसर जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 174। नोट्स सभी अपने साफ साफ बना करके चले, और जो भी बच्चा रेगुलर वे में अपने नोट्स बना रहा है वो आप मुझे अपने नोट्स को दिखाता भी चले। और हाँ, बहुत ही कम लोग आप में से टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या है भाई, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप तक नहीं पहुंच रहे? क्या आपके पैसे लगते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में? नहीं ना, जब आपको सारा काम फ्री मिलता है तो आप क्यों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में मंजूसी करते हैं? कर लो, इसमें आपका ही फायदा है, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप का ही जो झंझट है खत्म कर दूंगा, मैं उसको ही डिलीट कर दूंगा। आपके लिए बनाया है, उसमें एंट्री करने का कोई आपसे चार्ज नहीं लगता, ठीक। तो आप उसमें एंट्री करो, आपके फायदे के लिए बनाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 174। देखिए 174 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 174 है, इसमें दिया हुआ है tan a plus b equal to root 3। 174 में tan a plus b is equal to root 3, tan a minus b is equal to 1 upon root 3, ये गिवन है। आपको क्या कहा गया है, a की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना है एंगल a। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, इतना आसान कि आप बिना लिखे इसको कर दोगे। देखो कैसे, सबसे पहले tan में आप ये देखो रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, tan में रूट थ्री। तो एक मन से आवाज आएगी कि सर tan 60 की वैल्यू रूट थ्री, बिल्कुल tan 60 की वैल्यू रूट थ्री। तो हम इधर क्या लिखोगे, आप इधर लिखोगे tan 60, ठीक। ये सारा काम आपको मन में करना है। तो tan बराबर tan के, तो एंगल बराबर एंगल के, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी आपका आएगा 60 डिग्री, ठीक। अब यहां से सेम यही तरीका, tan में 1 अपॉन रूट थ्री वैल्यू होती है tan 30 की, तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर आपका क्या जाएगा 30, ठीक। याद समझ में आ गया। इसके बाद आपने निकालना है a की वैल्यू। हम चाहे तो a और b दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन जितना उसने कहा है हम उतना ही काम करेंगे। यहां पर a निकालने के लिए क्या करूं, दोनों वैल्यू को जोड़ दो, 30 और 60 90, 90 का आधा कर दो 45, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। बहुत आसानी से आंसर आया है। तो आप बस केवल आप समझने पे ध्यान दें, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपने नोट्स बना के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। देखिए 175 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कोस क्यूब थीटा, टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है 175 में। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझो। सबसे पहले आपको फर्स्ट साइट में क्या दिखाई दे रहा है, एकदम आपको क्वेश्चन को देखते क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, नीचे आपने देखा यहाँ पर भी कोस है और यहाँ पर भी कोस। सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, ऊपर से तो ले लो साइन कॉमन साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे ले लो कोस कॉमन, तो इधर बचेगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बचेगा, ठीक। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनता है कोस टू थीटा का, याद कीजिए मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले लिखवाए थे, मैं चार के चार आपके सामने लिख रहा हूं और आपको रिवीजन करा रहा हूं। पहला फॉर्मूला क्या लिखा था कोस टू थीटा का, वन माइनस टू साइन
स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला टू को स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा फॉर्मूला को स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा फॉर्मूला था हमारा वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। एक बार आप इस फॉर्मूले को अपने नोट्स में चेक कर लेना, हल्का सा डाउट है लेकिन मुझे पूरे चांसेस यही है कि यही होगा फॉर्मूला। तो ये चार फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, तो देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, और टू कोस स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी कोस टू थीटा का है, तो इसको भी हम किसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कोस टू थीटा, यहाँ से ही कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, टेन थीटा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा आपके सामने है टेन थीटा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है हमारा 176। मैं आपसे बार बार कहता हूं त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले हैं, हालांकि मैंने अभी तक आपको ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवाए, जितनों का भी अभी तक यूज हुआ है आप सभी को रिवीजन करते चलिए, केवल और केवल आप रिवीजन करेंगे तो ही आपके याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है थीटा प्लस फाइव, सॉरी 176 में आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू, और आर कोस थीटा इज इक्वल टू सेवन रूट थ्री अपॉन टू, एंड वैल्यू आपको निकालनी है आर की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 176 में आर फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आर निकालने के लिए क्या करें, इसको फर्स्ट मानते हुए और इसको सेकंड मानते हुए हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इनको स्क्वायर करने के साथ सब जोड़ देंगे, तो इधर बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक। या चलो एक अच्छे से थोड़ा सा आपको सही तरीके से समझ में आए, थोड़ा सा और सही तरीके से मैं आपको समझा दूं, ठीक। इसको आप यहां लिख लो, आर कोस थीटा इज इक्वल टू सेवन रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है, यहां लिख लो उसको। अब थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकेंड, इस साइड के साथ ये साइड जोड़ेंगे और इसके साथ ये साइड जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, स्क्वायर करके। तो ये आर स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सात का स्क्वायर कितना आएगा 49, दो का स्क्वायर आएगा 4, सही है। अब सात का स्क्वायर 49, रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा 3, और दो का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या हो गया 49 गुना 4, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आपके पास हो गया है 49। जब आप आर निकालेंगे तो आर क्या आएगा आपके पास 7, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 177। एक छोटी सी बात आपको मैं फिर बताना चाहूंगा, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ऑनलाइन ही वॉच करना है, ऑनलाइन ही देखना है, डाउनलोड आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप उसको ऑनलाइन देखो, उसके बाद आप उसको ऑफलाइन सेव करके रख लो। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके अपने लाइफाई की, ठीक है, लाइफाई परिवार की आपको एक छोटी सी विनती है कि आप क्या करें, वीडियो को ऑनलाइन देखें। फायदा क्या होगा मुझे, केवल और केवल इतना फायदा होगा कि आप जैसे और भी लोगों तक वो वीडियो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि ऑनलाइन देखने से वीडियो क्या हो जाती है, वायरल होती है। तो प्लीज आप इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, इसमें क्या कहा गया है 177 में। क्वेश्चन है थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव बराबर है आपका
पाई अपॉन टू और साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू और वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोली गई है साइन फाइव। ठीक, तो देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक रिलेशन दिया हुआ है थीटा प्लस फाइव, फिर यहां से थीटा में आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी है वन अपॉइंट टू। आप एक बार देखो साइन थीटा बराबर है एक बटे दो के, तो साइन में एक बटा दो वैल्यू किसकी होती है, साइन थर्टी की। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, थर्टी। ठीक, और इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो पाई अपॉन सिक्स। शुरुआती लेक्चर्स में मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, थीटा अगर आपके पास डिग्री में है तो उसको मैंने आपको रेडियन में निकालना सिखाया था, यानी कि पाई में, और पाई से मैंने आपको डिग्री में निकालना सिखाया था, और काफ़ी टाइम मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई थी। तो जो बच्चा शुरू से देख रहा है उसको हर चीज़ क्लियर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो पाई अपॉन सिक्स, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम, पाई अपॉन सिक्स प्लस फाइव और बराबर है पाई अपॉन टू। ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन टू माइनस पाई अपॉन सिक्स। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन फाइव की, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों तरफ साइन फाइव अप्लाई कर देंगे, साइन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्या लगा देंगे हम साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या बना, साइन नाइनटी माइनस थीटा, साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस पाई बटे सिक्स। कोस पाई बटे सिक्स का मतलब क्या, कोस थर्टी, और कोस थर्टी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रूट थ्री अपॉन टू। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा साइन फाइव का वो क्या आएगा, रूट थ्री अपॉन टू, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 178 पर। क्वेश्चन नंबर 178, देखिए 178 क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दिया गया है आपको 178 में साइन थीटा प्लस 18, 178 साइन थीटा प्लस 18 इज इक्वल टू कोस 60 और आपसे निकालने के लिए कहा गया है कोस 5 थीटा, कोस 5 थीटा। तो आप एक चीज ध्यान दो यहां पर, अगर आप थीटा निकाल लो और थीटा में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की, तो आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा, जो गिवन कंडीशन है ये, इस गिवन कंडीशन से हमारा उद्देश्य रहेगा थीटा की वैल्यू फाइंड करना। थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा प्लस 18 डिग्री, मैंने क्या बताया था एंगल आप कब कंपेयर करते हैं, या तो दोनों साइड साइन हो या दोनों साइड कोस हो या दोनों साइड टैन, दोनों साइड हम साइन बना देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 30। क्लियर, 90 माइनस 30 क्या बन जाएगा, साइन 30, क्योंकि इधर भी साइन है, साइन थीटा प्लस 18, तो एंगल से हम आसानी से एंगल कंपेयर कर सकते हैं। थीटा प्लस 18 बराबर क्या जाएगा, 30। जब आप सोल्व करोगे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 12 या 12 डिग्री। अब आपको निकालना है कोस 5 थीटा, आपके पास क्या है, 12 है थीटा की वैल्यू, 12 पंजे कितना 60, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है कितना होगा, 1/2। क्लियर, चलिए 1/2 आपका आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। क्वेश्चन नंबर 179 में आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है देखो, क्वेश्चन नंबर 179 इसमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, वैल्यू आपसे क्या निकलवाना चाहता है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
फोर साइन स्क्वायर थीटा, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री को स्क्वायर थीटा, थ्री को स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज को नोटिफाई करना पड़ेगा, वो चीज क्या है, वो काम क्या करना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी जा चुके हैं, ध्यान देना, जब कभी tan की वैल्यू दी हुई हो, मैं क्या कह रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी tan की वैल्यू दी गई हो और इस तरह से आपको कुछ दिया हो जिसमें यहाँ साइन यहाँ कोस, यहाँ साइन यहाँ कोस, तो इसमें हम हमेशा क्या काम करते हैं, कोस को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोस को कॉमन। जब हम कोस कॉमन लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर में है दोनों, साइन भी स्क्वायर में है कोस भी स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, कोस को स्क्वायर में बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बाहर लेंगे, या चलो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो यहां पर हमने भाग कर दिया है कोस स्क्वायर थीटा से, ऊपर भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। इससे आपको आसानी समझ में आएगा और भी। ठीक, नीचे क्या आएगा आपका, ये हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी हमने कोस स्क्वायर थीटा से भाग किया है, प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब देखो यहां पर कोस ये सेम है तो कटना तो ये है ही। ठीक, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, ऐसे ही साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर। तो आप इधर देखो ये क्या बनेगा, फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस टू, नीचे फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री। आपके पास टेन की वैल्यू क्या है, तीन बटे चार, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर है और ये केवल क्या है, टेन, तो जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, नौ बटे सोलह। तो चार गुना नौ बटे सोलह माइनस दो, और चार गुना नौ बटे सोलह प्लस थ्री, चार से चार बार कटेगा, चार से चार बार, चार चौक सोलह, ऐसे ही चार चौक सोलह। अब नौ बटे चार बचा, कितना बचा, नौ बटे चार, यहां वन मान लो, यहां भी वन मान लो, चार दुनी आठ, तो नौ एकम नौ, चार दुनी आठ बटे चार एकम चार, ऐसे ही नौ एकम नौ, चार दिया बारह और बटे कितना चार, चार से चार खत्म, ऊपर क्या बचेगा एक, और बारह और नौ कितना हो गया इक्कीस, तो एक बटे इक्कीस क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 180, क्वेश्चन नंबर 180। देख क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 180 है कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा बराबर ए, 180 कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा बराबर है ए, इक्वेशन नंबर वन मान सकते हो। ठीक, और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर बी, इसको हम मान सकते हैं सेकेंड। ठीक, और सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, सबसे पहले आप इसको बहुत ज्यादा एक अलग तरह क्वेश्चन कैटेगरी में डाल दो, इस पर आप आराम से लिखो लाइफ आई, लाइफ आई लिखने से आपको ये स्पेशल कैटेगरी में चला जाएगा। आपको इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद रख के चलोगे तो आसानी से आपका आंसर आएगा। आप देखो इसमें ऑप्शन नंबर थ्री पर आपको मैं देखो, हालांकि आप चारों ऑप्शन देखो एक बार, चारों ऑप्शन में आपको सेम ही तरीके से आंसर दिया हुआ है, बस क्या बदला हुआ है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। सभी ऑप्शन में सेम तरीके से आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन उसने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि प्लस माइनस जो है बदल दिए गए। आप ऑप्शन नंबर तीन की सहायता लो, ऑप्शन नंबर तीन की सहायता, ऑप्शन नंबर तीन क्या है, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन से करेंगे हमसे, किससे करेंगे ऑप्शन से। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा, यहाँ पर क्या रखना है ए स्क्वायर, तो स्क्वायर करके जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा
अपॉन कोस स्क्वायर बीटा और माइनस किया जाएगा वन, ये माइनस किया जाएगा वन, ठीक, ये आ गया आपका ऊपर। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, फिर से वही कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक आपको भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, यहां वन मानते हैं सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा के वन में होगी तो यहां से आपके पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर बीटा, ठीक, और यहां नीचे हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसकी यहां साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, जब नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका बनेगा कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर कोस बीटा से तो कोस बीटा जो है कट ही जाना है, ठीक। अब देखो आपने जो सोल्व करना है वो लाना है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि इसको सोल्व करके हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर बीटा, तो ऊपर बचा हुआ है कोस अल्फा कोस बीटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन साइन में लाना है तभी तो साइन में आंसर आएगा, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, वन कोस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ऐसे ही यहां पर रखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये तो कट गया है हमारा, नीचे क्या बचा हमारा, ये घूम करे कहां आएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको हम साथ में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो घूम करके सबसे ऊपर आता है, तो हम चाहें तो इसको साथ में सबसे ऊपर ही लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, और यहां पर हम एक ब्रैकेट का यूज करेंगे इस तरीके से, नीचे क्या बचा हमारा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि हमें आंसर साइन में लाना है तो हमें सभी चीजों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही कोस अल्फा को हमने फिर से वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर लिया है और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इज रखा, इसकी जगह लिख लिया वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहां से माइनस वन, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, सॉरी ये वन है और ये माइनस वन, तो इससे ही कट जाएगा, इस वन से ये वन कट जाएगा, साइन जो अल्फा है, साइन अल्फा सॉरी साइन बीटा ये माइनस है, इस माइनस के से क्या जाएगा प्लस, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस वाले को मैंने लिखा बाद में, साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर आएगा ये, नीचे साथ में इसके ऊपर ही साइन स्क्वायर बीटा भी है, क्या जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। अब नीचे देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम, साइन स्क्वायर बीटा की वन में होगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा आएगा, माइनस साइन बीटा की साइन अल्फा में क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यहां पर क्योंकि माइनस है तो साइन स्क्वायर अल्फा की वन में होगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा, ठीक, माइनस माइनस ये हो जाना है आपका प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा की साइन स्क्वायर बीटा में होगी, यह आया आपका साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू माइनस, कैंसिल आएगी, ऊपर आपका क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में आपका बच रहा है साइन स्क्वायर बीटा, नीचे आपका क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ऊपर क्या बचा आपका साइन स्क्वायर बीटा, और यही हमें निकालना था, यही हमें करना था, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी आपको दिखाई देगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है ना, कोई भी अगर एक दो बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको हार नहीं माननी, ठीक, आपको बस चलते जाना है, थोड़ा सा हार्डवर्क तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना,
आप 850 ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल से तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चन अगर बीच में बढ़ा भी जाए तो कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, इसी तरह के दमदार सॉल्यूशन के साथ मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही रेगुलर वे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।